मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास फोर्थ की कन्वर्सेशन की बुक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो आई का प्रोनाउंसिएशन था, उसके रूल थे, उनके बारे में मैंने रीड कराया था। तो आज हम आप लोगों का ओ के प्रोनाउंसिएशन के रूल्स के बारे में बताएंगे और उसे रीड कराएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ओ के जो प्रोनाउंसिएशन, उनके क्या रूल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओ के उच्चारण प्रायः ये होते हैं, आओ ओ ऊ बड़ा ऊ आ, मतलब कि जो ओ हमारा है उनसे जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं उनसे क्या क्या मतलब मिलता है। ओ से हमारा ओ जब होता है, ओ प्रोनाउंसिएशन जब होता है तो ऑक्स बैल, फॉक्स लोमड़ी, ऑन पर पॉट बर्तन। और भी कुछ वर्ड्स हैं, हॉट मिस गर्म, टॉप मिस ऊपर भाग ऊपरी भाग, स्पॉट मिस दाग, डॉट मिस बिंदु, ड्रॉप मिस गिरना या गिराना, नॉट मिस नहीं, सॉफ्ट मिस मुलायम, गॉड मिस पाया, गॉड मिस ईश्वर, लॉट मिस अत्यधिक। ओ का जब प्रोनाउंसिएशन आओ होता है तो ये वर्ड्स बनते हैं, ओपन खोलना, सो ऐसा, होप आशा, नो नहीं, ओल्ड पुराना, गोल्ड सोना, होम घर, मोस्ट सर्वाधिक, जोक मजाक, पोस्ट डॉक डाक होता है पोस्ट विस। जब हमारा ओ और डब्लू का प्रोनाउंसिएशन ओ होता है तो मतलब कि पहले ओ का सिर्फ था ओ, लेकिन डब्लू और ओ का भी ओ होता है। जैसे लो नीचा, शो प्रदर्शन, रो पंक्ति, क्रो कौवा, सो बीज बीज बोना, थ्रो फेंकना। जब डबल ओ का प्रोनाउंसिएशन ऊ होता है, हार्श उच्चारण, ये लंबा उच्चारण होता है, बड़ा उच्चारण होता है, दीर्घ उच्चारण, ये हमारा हार्श उच्चारण होता है। लुक देखना, बुक पुस्तक, टुक लिया, गुड अच्छा। जब डबल ओ का प्रोनाउंसिएशन बड़ा ऊ होता है दीर्घ में, तब रूम कमरा, मून चांद, बूट जूता, टू अधिक, रूट जड़, नून दोपहर। जब ओ का प्रोनाउंसिएशन हमारा आ होता है, सन पुत्र, कम आना। जब ओ और डब्लू का प्रोनाउंसिएशन आउ होता है, हाउ कैसे, काउ गाय, नाउ अब, बाउ झुकना। जब ओ और वाई का प्रोनाउंसिएशन आए होता है, ओय ओय, जॉय हर्ष, टॉय खिलौना, बॉय लड़का, क्वाय भोला या लज्जालु। जब ओ और यू का उच्चारण है, मतलब कि प्रोनाउंसिएशन आव होता है, आवर हमारा, सौर सावर खट्टा, हावर घंटा। जब हमारे ओ और यू का प्रोनाउंसिएशन आव होता है, आवर हमारा, सौर सावर मिस खट्टा, हावर मिस घंटा, सॉरी से हमने दोबारा रिपीट कर दिया है। अब हमें नेक्स्ट है यू के प्रोनाउंसिएशन के रूल्स के बारे में पढ़ना है, रीड करना है। यू के उच्चारण प्राय ये होते हैं, आ ऊ यू यो, मतलब कि यू जो हमारा है उसके जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऐसे ये होते हैं। जब यू का प्रोनाउंसिएशन आ होता है छोटे प्रोनाउंसिएशन में, हर्ष मिस होता है छोटे में, दीर्घ मिस होता बड़ा, तो आप ऊपर कप प्याला, हट झोपड़ी, फन मज़ा, मड कीचड़, सन सूरज। यू का जब प्रोनाउंसिएशन ऊ होता है, पुट रखना, पुल खींचना, पुश दबाना, पूसी बिल्ली।
यू का जब प्रोनाउंसिएशन यू और यो होता है, ड्यूटी कर्तव्य, श्योर पक्का, ड्यूरेबल टिकाऊ, प्योर शुद्ध। वाई के उच्चारण के नियम, यहाँ पे मतलब वाई के उच्चारण के नियम बताए गए। कहीं कहीं व्यंजन वाई भी स्वर का कार्य करता है, पुरानी अंग्रेजी में इसे स्वर माना जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे इसका स्थान आई ने ले लिया है। लेकिन कहीं कहीं अब भी यह स्वर का कार्य करता है, मतलब कि बताया जा रहा है कि जो पुरानी इंग्लिश थी पहले वाई को भी स्वर माना जाता था, वॉवल में माना जाता था, लेकिन अब आई का जो प्लेस है, जगह स्थान है, वो आई ने ले लिया, वाई का जो मतलब प्लेस है वो आई ने ले लिया है। इस वजह से अब मतलब उतना इसका यूज़ नहीं होता, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं इसका यूज़ व्यंजन में होता है, मतलब कि ये व्यंजन है ना, कहीं कहीं अब भी ये व्यंजन वाई जो है स्वर का मतलब स्वर में यूज़ हुआ होता है, जैसे वाई का बड़ी में। पॉलीगैमी बहुविवाह, फ्लैनी घोर अपराध, जेलसी ईर्ष्या, पॉलिसी नीति। वाई का आई और आई में टायर, टाइफाइड मियादी बुखार। वाई का जब आई का प्रोनाउंसिएशन होता है तब डाइक तटबंध, डायनेस्टी वंश, फ्लाई उड़ना, जुलाई। तो यहाँ बताया जा रहा है यहाँ पे कि वाई जो है इसका जो मतलब पहले ये यूज़ होता था लेकिन अब ये यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट हमारा है ए जनरेशन वैक्यूबुलरी, सामान्य शब्दावली, मतलब कि यहाँ पे सामान्य शब्दावली बताया गया, मतलब कि यहाँ दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले कुछ शब्दों की अंग्रेजी दी जाती है जा रही है, इन्हें याद कीजिए, मतलब कि यहाँ पे जो हम डेली मतलब यूज़ करते हैं बोलते हैं उनकी इंग्लिश दी गई है, डेली लाइफ में इसे यूज़ करते हैं और इन्हें आप लोगों को मतलब बोलना, अनाज एवं खाद्य पदार्थ की क्रियल्स एंड इटेबल्स, अनाज एंड खाद्य पदार्थ, मतलब यहाँ पे खाने पीने की चीज़ों के बारे में उनके नाम दिए गए हैं, यानी उसे लर्न भी करना है आप लोगों को। चलें स्टार्ट करते हैं। ब्रेड BREAD, ब्रेड मिस रोटी, CHEESE चीज़ मिस पनीर, BISCUIT बिस्किट मिस बिस्कुट, BUTTER बटर मिस मक्खन। COFFEE कॉफी मिस कॉफी, क्रीम CREAM क्रीम मिस मलाई, CURY करी मिस कढ़ी, GHEE घी मिस घी, मीट MEAT मीट मिस मांस, ऑयल OIL ऑयल मिस तेल, राइस RICE राइस मिस चावल, वीट WHEAT वीट मिस गेहूँ, WHEAT वीट मिस गेहूँ। तो ये हैं आपके अनाजों के नाम, मतलब कि अनाज के बारे में बताया गया यहाँ, इसे आप लोगों को अच्छे से लर्न करना है, इसे अपनी कॉपी में भी राइट करना है इतना। नेक्स्ट हमारा है रिलेटिव्स रिश्तेदार, BROTHER ब्रदर भाई, FATHER फादर मिस पिता, HUSBANDANDहस्बैंड हैंडबैंड मिस पति, नीस NIECE नीस मिस भतीजी, डॉटर DAUGHTER डॉटर मिस पुत्री या लड़की, AUNT आंट मिस चाचा चाची, MOTHER मदर LAW मदर इन लॉ मिस सास, कज़न COUSIN कज़न मिस चचेरा भाई बहन, GRANDFATHER ग्रैंड फादर मिस दादा दादी, MOTHER मदर मिस माता, WIFE वाइफ मिस पत्नी, SON सन मिस पुत्र, UNCLE अंकल मिस चाचा
चाचा मामा, चाची और मामी, आंट भी चाची मामी। एफ ए टी एच ई आर फादर, आई एन इन एल ए डब्ल्यू ला फादर इन लॉ मिस ससुर। तो ये हैं आपके रिलेटिव्स के बारे में बताया गया कि उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। भाई को ब्रदर कहते हैं, फादर मतलब पिता को फादर, पति को हस्बैंड, नीस को भतीजा और भतीजी या भतीजा, और डॉटर को पुत्री। तो ऐसे ही मतलब यहाँ बताया गया है, इसे भी आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। डिसीज़ ऑफ बॉडी, शारीरिक बीमारी, तो यहाँ शरीर की बीमारियों के बारे में बताया गया है। ब्लाइंडनेस, BLINDNESS ब्लाइंडनेस, अंधापन। ITCH मिस खुजली। PHLEGM फ्लेम, फ्लेम मिस कफ। JAUNDICE जंडिस मिस पीलिया। वो VOMITING वोमिटिंग मिस उल्टी। CONJUNCTIVITIS कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस मिस आँख आना। COUGH कफ, कफ मिस खांसी। LEPROSY लेपरिस, लेपरिस लेपरसी कोड। DIARRHEA डायरिया, डायरिया मिस अतिसार। COLD कोल्ड मिस जुकाम। CONSTIPATION कॉन्स्टिपेशन मिस कब्ज। HEMORRHAGE हेमरेज, हेमरेज मिस खून बहना, हेमरेज होता है। तो ब्लाइंडनेस मिस अंधापन। ईच मिस खुजली। फ्लेम मिस कफ। जंडिस मिस पीलिया। वोमिटिंग मिस उल्टी। कंजक्टिवाइटिस मिस आखाना, कंजक्टिवाइटिस। कफ मिस खांसी। लेप्रसी मिस कोढ़। डायरिया मिस अतिसार। कोल्ड मिस जुकाम। कंसिस्टिपेशन मिस कब्ज। हेमरेज मिस होता है खून बहना। तो ये जो पैराग्राफ यहीं कंप्लीट हो रहा है, और आज की जो हमारी वीडियो ये यहीं पे कंप्लीट हम कर रहे हैं आप लोगों को। और यहाँ से लेके यहाँ तक राइट करना है एक पेज पे, यहाँ से यहाँ तक आप लोग को नेक्स्ट पेज पे राइट करना है, और यहाँ से ये तीनों आपको अलग अलग पेजों पे राइट करना है। और ये आप लोगों को लर्न भी करनी है, जब हम इसे आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और रीड करिए, ताकि आप लोगों को जब आप सेंटेंस बनाएं राइट करें तो उसे आप लोगों को उसे राइट करने में, न्यू सेंटेंस बनाने में आप लोगों को इजी हो। तो ये जो आपका पैराग्राफ है यहीं कंप्लीट हो रहा है, नेक्स्ट पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो के साथ स्टार्ट करेंगे। तो टेक केयर।